को पता है मैं 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम की साइकिल यात्रा कर रहा हूँ और अभी फिलहाल मैं केदारनाथ पहुंच गया था। बाकी पुलिस वालों ने नहीं जाने दिया तो कारण बस वापस नीचे आना पड़ा और अपना स्लीपिंग बैग लेके घूम रहे हैं भाई। अभी तो हम जा रहे हैं जो केदारनाथ जी की डोली रहती है 6 महीने की मठ में जहाँ पे पूजा होती है और वो 10 तारीख को ऊपर पहुंच जाएगी। उसके बाद 6 महीना ऊपर केदारनाथ जी के टेम्पल में होगी। तो अभी हमने ना श्री श्री विद्याधाम अंक्षेत्र जो कि गुप्त काशी से पीछे ही है और तीनों भाई ने हमने यहाँ पे खाना खाया, भोजन ग्रहण करा और इस तरह दिखता है इस मंदिर का। कभी आप भी आ रहे हैं केदारनाथ जी, रुकने की जगह चाहिए, खाने को खाना चाहिए ना, तो भाई इस अंक्षेत्र में आ सकते हैं। यहाँ पे आपको बोर्ड लगा मिलेगा ऑन रोड पे ही, है ना, आपके लेफ्ट साइड में। और भाई मौसम खराब हो चुका है, देखो पहाड़े बिल्कुल नहीं दिख रही है, एकदम ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी है और बारिश कभी भी आ सकती है। तो अभी हम चल रहे हैं गुप्त काशी की तरफ, नीचे 2 किलोमीटर सिटी है और उसके बाद आज का पहला स्टॉपेज डोली का यही होगा। पर हम जहाँ तक भी हमें डोली मिलेगी रास्ते में हम वहाँ तक चलेंगे, फिर डोली के साथ साथ हम यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे विश्वनाथ जी मंदिर है, वहाँ पे आज डोली रात्रि विश्राम होगा और फिर कल सुबह निकल जाएगी फाटा के लिए। तो चलते हैं दोस्तों महादेव जी के चरणों में जो कि 6 महीने नीचे ही पूजा होती है, तो आपको वहीं से दर्शन करवाते हैं और फिर केदारनाथ तो करवाएंगे। तो जुड़े रहे ब्लॉग्स में और कमेंट करा महादेव जरूर। दोस्तों मौसम देख लो कितना खराब हो गया है आपके सामने, देखिए ये देखिए, है ना, आप समझ सकते हैं कितना मौसम खराब हो गया भाई यहाँ का, बहुत ज्यादा खराब हो चुका है भाई। और इधर देखो बारिश की वजह से भाई गाड़ी वाले अपना रास्ता तिरपाल कर रहे हैं कि मौसम एकदम से अचानक से खराब हुआ है भाई। हवा की स्पीड भी बदल गई है यहाँ पे और लोग इंजॉय करने निकल पड़े अपनी गाड़ियां ले लेके, बहुत तेज हवा चल पड़ी है भाई। तो चलते हैं अभी आगे की तरफ, मौसम तो खराब हो ही गया पर कोई नहीं, चलते हैं महादेव जी के दर्शन जरूर करेंगे हर हर। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए विश्वनाथ टेम्पल में जहाँ पे डोली को विश्राम करवाया गया है महादेव जी को। और भीड़ आप देख पा रहे हैं, भीड़ बहुत ज्यादा भीड़ है भाई, बहुत ही ज्यादा बाबा आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं डोली के दर्शन करने। तो कुछ इस तरह दिखता है आपको विश्वनाथ टेम्पल का व्यूज बाहर से, बिल्कुल फूलों से सजाया हुआ है एकदम, देख रहे हो। और अंदर कुछ इस तरह का व्यूज दिखता है, आप भी कभी आओ तो जरूर आना यहाँ पे। और यहाँ पे सभी लोग आ रहे हैं डोली दर्शन करके जा रहे हैं, हम भी चलेंगे दर्शन करने अंदर, थोड़ा सा इंतजार करिए हम भी चलते हैं अंदर, अपने जूते निकाल देते हैं और दर्शन करते हैं, आपको भी करवाते हैं। जुड़े रहे हमारे ब्लॉग्स में कंटिन्यू, हर हर महादेव। ऐसे अंदर की तरफ कुछ इस तरह दिखता है मंदिर का व्यूज और यहाँ पे डोली को विराजमान किया गया है कुछ इस तरह अंदर चौक में। और सामने जो टेम्पल है यही टेम्पल है विश्वनाथ जी का और यहीं पे डोली रखी जाती है। और बारिश भी आ गई है, बरसात भी तेज होने लग गई है, यहाँ पे आप देख रहे हो काफी सारे लोग आते हैं डोली के साथ, वो यहीं पे रखते हैं। और सभी लोग डोली के साथ आते हैं, ये कल ही यहाँ से डोली के साथ चलेंगे। और ये पानी है भाई, देखो दोनों जगह से पानी आ रहा है गोमुख से, यहाँ पे हमारे नंदी महाराज जी है और दोनों टेम्पलों को बहुत अच्छे से सजाया गया है फूलों से क्योंकि बाबा की डोली आई है। मंदिर में कैमरा फोटो अलाउ नहीं है भाई, बाहर से दिखाया जाएगा आपको मंदिर, ये देखिए। यही रुकेंगे अभी रात को और सुबह फिर हम डोली के साथ सुबह चलेंगे। और ये टेम्पल भी केदारनाथ जी की तरह ही बना हुआ है, बस थोड़ा सा चेंज है, बाकी सब चीजें सेम सेम है। इसी वजह से यहाँ पे डोली को रोका जाता है क्योंकि कुछ ना कुछ कनेक्शन है इन टेम्पलों का बहुत पुराना, जो कि यहीं पे ही रुकी जाती है डोलिया। तो अभी डोली के दर्शन तो हमारे हुए नहीं, पहले महादेव जी के दर्शन करके आते हैं उसके बाद डोली के दर्शन करवाएंगे, तब तक के लिए थोड़ा इंतजार करिए और हर हर महादेव बोलते रहिए। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे बारिश आ रही है और कुछ इस तरह का व्यूज है यहाँ पे और महादेव जी सामने टेम्पल में विराजमान है। सुबह यहाँ से निकलेगी 7-8 बजे के आसपास। और भाई जो ये भाई आप सामने देख रहे हैं जो भोले को अपने कंधे पे उठा रखा है, ये भाई भाई हरियाणा से हैं और यही पंच केदार की यात्रा कर रहे हैं भोलेनाथ जी को साथ लेके, तो इनके भी जज्बे को सलाम है, सल्यूट है भाई। और ये भाई आम बात नहीं, यहाँ पे पैदल चल रहे इंसान वही बहुत बड़ी बात है। और ये भाई भोलेनाथ जी को लेकर पंच केदार की यात्रा कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो इन भाइयों के लिए कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें
और अब हम भी चलते हैं अपने रात्रि विश्राम की तरफ, जहाँ पे हम रात्रि विश्राम करेंगे और फिर सुबह यहीं वापस आएंगे और डोली के साथ फिर से चलेंगे। हर हर महादेव। तो फाइनली दोस्तों, डोली आज कृष्णा टेम्पल में आके रुक गई है और सुबह यहाँ से निकलेगी 7-8 बजे के आसपास, पूजा पाठ होके तो हम वापस इसी मंदिर में आ गए हैं जहाँ पे हमने दोपहर का खाना खाया था, भोजन ग्रहण करा था। और कुछ इस तरह से पूरा मार्बल का बना हुआ ये टेम्पल है, देखिए बहुत ही विशाल टेम्पल है और यहाँ से बहुत ही अच्छा व्यूज दिखता है। देखिए कितना अच्छा दिखता है केदारनाथ की ये सुंदर वादियाँ, बेहद ही खूबसूरत। और जैसे जैसे बारिश का मौसम आएगा वैसे वैसे 4 चांद लग जाएंगे उत्तराखंड में, क्योंकि हरियाली बहुत ज़्यादा छा जाएगी। और ये कुछ इस कदर है उत्तराखंड का व्यूज, देखने में बहुत ही बेहद ही खूबसूरत है, मन ऐसा करता है कि यहाँ से जाने का ही। और क्या करें, यात्रा कंप्लीट करनी है तो यहाँ से चलना है, इसके बाद एक यात्रा और करनी है। ये मंदिर भी काफ़ी भाई लंबा चौड़ा मंदिर है, बहुत लंबा चौड़ा मंदिर है। ये श्री विद्याधाम काशी में है और यहाँ पे है ना कम से कम हजारों लोग रुकते हैं एक साथ। और ये कमरे देख रहे हैं, रूम देख रहे हैं, यहाँ पे बना हुआ है। और दिव्य धाम श्री विद्याधाम गुप्त काशी, जो कि अनंत विश्वभूत महामंडलेश्वर श्री गिरिजानंद सरस्वती जी महाराज पूज्य श्री भगवान, और अभी फिलहाल अनंत विश्वभूत महामंडलेश्वर स्वामी श्री चिंतनादास सरस्वती जी महाराज उनके अंदर में ये चल रहा है मंदिर। और यहाँ से अब चलेंगे हम नीचे और फिर रुकने की व्यवस्था भी की गई है, अलग अलग हॉल है, यहाँ पे 2-3 हॉल बनाए हुए हैं, देखते हैं हमें कौन से हॉल में सोने का मिलता है कौन से में नहीं, अब नीचे चल के ही पता लगेगा। चलते हैं और देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, इधर भी जगह है पर हमारे साथी पता नहीं कहाँ गए, चलो उनको ढूंढते हैं और फिर जैसा होता है आपको बताते हैं। तब तक के लिए हर हर महादेव।